आपसे कुछ हो नहीं पा रहा तो आप अपना गुस्सा वो कभी मीडिया पे निकालते हैं, कभी एंकर्स पर निकालते हैं, कभी दर्जे पे निकालते हैं और पोल्ट्री अगर हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं बहाल करने का मुतालबा किया है। ये जो बोल की बंदिश है इसको आजादी सहाफत का गला घोंटने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है, मगर ये जो नासमझ अरबाब इख्तियार हैं इस हकीकत का इदराक करने से कासिर हैं कि ये सोशल मीडिया का दौर है ना चौहान साहब, जहाँ सच तो छुपता नहीं है, सहाफियों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, हुकूमत ऐसे हथकंडों से बाज क्यों नहीं आ रही है? क्या बोल को सच बोलने की सजा दी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए वो बात ये है कि इंपोर्टेड हुकूमत के बस में ना तो इस वक्त हुकूमत है, ना उनके पास परफॉर्मेंस है, ना मुल्की मसाइल और आवाम के उनका कोई हल है, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे जिसे कहते हैं ना कि इन्फ्लेशन का रेट तकरीबन 40-45% इन्फ्लेशन है इस वक्त, और कोई चीज भी पाकिस्तान की स्टेट के 5 महीनों में इन्होंने सत्यानाश पाकिस्तान का फेर दिया। लेकिन गुस्सा जो है ना वो आपका जनाब कहते हैं ना वो गुस्सा तो मारता था लेकिन खोते थे जना वो, और दूसरा वो कहते हैं ना कि वो खोता मरा खा लिया तो 100 वजीराबाद। एग्जैक्टली यही वाली मिसाल है कि जब आपसे कुछ हो नहीं पा रहा तो आप अपना गुस्सा वो कभी मीडिया पर निकाल, कभी एंकर्स पर निकालते हैं, कभी दर्जे पर निकालते हैं, कभी पीटीआई पे निकालते हैं, आंसर पे निकालते हैं, कभी पर्चे काटते हैं, कभी पैमरा के जरिए से पाबंदियां लगाते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, कभी सोशल मीडिया पे लगा देते हैं, कल यूट्यूब बंद कर दिया इमरान खान साहब की तकरीर के दरमियान। तो कहने का मकसद यह है इस किस्म के टैक्टिक्स आप बोल टीवी की जनाब बंदिश हो गई है, पहले ARY जनाब 26-28 दिन रहा, अब टीवी के ऊपर बंदिश हो गई, उससे पहले एंकर्स की एक लंबी फहरिस्त है। तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत और इसका जो वजीर आजम है उसका मैंने एक नया नाम डाला है सुल्तान मजबूरुद्दीन, उसका बड़ा भाई है सुल्तान मजबूरुद्दीन जो बाहर मफरूर है, ये सुल्तान मजबूरुद्दीन है, बेचारा मजबूर है, इसके पास कुछ है ही नहीं है, इसको समझ नहीं आ रही क्या। तो जनाब ये सुल्तान मजबूरुद्दीन ने पाकिस्तान की तारीख के चारों मास्टर लाओ और हर किस्म की सिविल और फौजी मार्शलाओं के अंदर जितना जुल्म और जबर और सहाफत को और सियासत को और आजादी राय को जितना दबाया गया उसका रिकॉर्ड टाइम कर दिया है अपने दौर के अंदर। और बोल्टी हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, मुतालबा है कि फौरी तौर पर बोल की नचिया बहाल की जाए, बोल का जो है वो लाइसेंस बहाल किया जाए। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।